हेलो चिल्ड्रन फ्रेंड्स, कैसे हैं आज आप सभी। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिल्पी प्राइमरी वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में आपको बिना मात्रा वाले दो अक्षर के शब्दों को पढ़ना बताया गया था। आज इस वीडियो में बिना मात्रा वाले तीन अक्षरों के शब्दों को पढ़ना बताया जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे लाइक करें, साथ में इसे शेयर भी जरूर करें। तो अब जाने हम इस वीडियो में कि बिना मात्रा वाले तीन अक्षर के शब्दों को किस तरह से पढ़ना बताया गया है। यहाँ दिया गया है बिना मात्रा वाले तीन अक्षरी शब्दों को पढ़ना और लिखना जाने। तो यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग अक्षरों को दिया हुआ है, फिर यहाँ एक साथ करके दिया गया है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं, किस प्रकार से पढ़ेंगे। क ल श कलश, ब ह न बहन, स म य समय, ग र म गरम, क ल म कलम, प ल क पलक, न ग र नगर, च म क चमक, प व न पवन, अ ट क अटक, ब ग ल बगल, स र ल सरल, ग ल त गलत। इसे हम एक बार और पढ़ेंगे। क ल श कलश, ब ह न बहन, स म य समय, ग र म गरम, क ल म कलम, प ल क पलक, न ग र नगर, च म क चमक, प व न पवन, अ ट क अटक, ब ग ल बगल, स र ल सरल, ग ल त गलत। तो ये हो गया अलग अलग अक्षर, और फिर से एक साथ करके किस प्रकार से पढ़ेंगे उसकी जानकारी अब यहाँ पर दिया हुआ है। इसे किस तरह से पढ़ेंगे इसे भी समझिए। प व न पवन, च ल चल पवन चल, ह व न हवन, क र कर हवन कर, भ ग त भगत, ब न बन भगत बन, भ ज न भजन, क र कर भजन कर, क ल म कलम, रख रख कलम रख, अक्षर अक्षर, पढ़ पढ़ अक्षर पढ़, क ल श कलश, भर भर कलश भर, वह वह पकड़ पकड़ वह पकड़, शहद शहद, चख चख शहद चख। हम इसे फिर से दोहराएंगे। प व न पवन, चल चल पवन चल, ह व न हवन, कर कर हवन कर, भ ग त भगत, ब न बन भगत बन, भ ज न भजन, कर कर भजन कर, क ल म कलम, रख रख कलम रख, अक्षर अक्षर, पढ़ पढ़ अक्षर पढ़, कलश कलश, भर भर कलश भर, वह वह पकड़ पकड़ वह पकड़, शहद शहद, चख चख शहद चख। तो इस वीडियो में आपने जाना किस तरह से बिना मात्रा के तीन अक्षर के शब्दों को किस तरह से पढ़ना है। अब लिखना भी इसमें हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप इसे लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है महल महल, तो क्या करेंगे, पहले अक्षर को लिखेंगे। ये नहीं कैसे इस तरह से लिखेंगे सो नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे म, फिर ह, फिर ल, महल। अलग अलग अक्षरों को आप सोचेंगे और सोचकर लिखेंगे, तो उस तरह से आप आसानी से लिख लेंगे। क्योंकि
मात्रा वाले शब्द को जब आप लिखना जानेंगे तो उस समय वो आपके लिए थोड़ा भारी होगा मात्रा सीखना। तो उसके पहले बिना मात्रा वाले दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर के शब्द को जानना बेहद जरूरी है। तो इस तरह से अलग अलग अक्षरों को करेंगे और फिर से एक साथ करके भी लिखेंगे। तो इस तरह से भी आप आराम से बिना मात्रा वाले तीन अक्षर के शब्दों को लिखना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लेकर अपनी राय जरूर दें। हैव अ नाइस डे।